सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर अपना कीबोर्ड पर एक इमेज लगाया हुआ है। तो इस इमेज को मैंने कैसे लगाया, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप अपना कीबोर्ड पर अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अपना कीबोर्ड पर अपना इमेज कैसे लगाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड पर जाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड किया है, इसी का यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर इसी का यूज़ करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा है कीबोर्ड, सिंपली कीबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर देखिए लिखा है थीम, सिंपली आपको थीम पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आप बहुत सारे यहाँ पर कलर दिए हैं, तो कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कलर का ऑप्शन है, जो कलर आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप अपना कलर सिलेक्ट कर लेना। तो देखिए, जो भी कलर में आप क्लिक करेंगे वहाँ पर राइट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से ये सेट हो जाएगा। अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर माई इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली माई इमेज पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका गैलरी ओपन होगा, जहाँ पर रिसेंटली फ़ोटो दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ तीन लाइन पर क्लिक करना है और आपको अपना फ़ोटो पर जाना है, गैलरी पर जाना है। गैलरी पर जाने के बाद आपको अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो फ़ोटो आप सेट करना चाहते हैं। तो ये वाला फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया, अब ये सही हो चुका है। यहाँ देखिए 40% लिखा हुआ है एडजस्ट ब्राइटनेस, तो इसको आप देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जितने में रखना चाहते हैं उतने में अपनी इसका ब्राइटनेस रख सकते हैं। तो मैं 50% रखना चाहता हूँ, तो यहाँ 50% पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ देखिए डन लिखा हुआ है, यहाँ डन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सेट कीबोर्ड थीम लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये कीबोर्ड सेट हो चुका है। चलिए मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि कीबोर्ड सेट हुआ है या नहीं। तो मैं अपना एक व्हाट्सएप में जाता हूँ। व्हाट्सएप में जाने के बाद कोई भी से कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये वाला कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए, यहाँ पर मेरा कीबोर्ड में आ चुका है मेरा इमेज। तो आप भी इमेज अपना ऐसे ही लगा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।